अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हमने पहले ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स शुरू की हुई हैं, उनमें से हमने चार ब्रांचेज हमने स्टडी की थी, उसे आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले हम पिछली थोड़ा ओवरव्यू ले लें। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में हमने चार ब्रांचेज कौन कौन सी पढ़ी थी, मैकेनिक्स, हीट, उसके बाद साउंड और लाइट। लाइट का दूसरा नाम था ऑप्टिक्स। तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा कि बॉडीज़ की मोशन को स्टडी किया। उसके बाद हमने साउंड हीट में हमने मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को स्टडी किया, और उसके बाद हमने देखा कि हीट का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि साउंड वेव्स, साउंड को स्टडी किया कि देखा कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद फिर फोर्थ वन जो ब्रांच थी हमारे पास, उसमें हमने स्टडी किया कि जो लाइट है जिसका दूसरा नाम ऑप्टिक्स था, उसमें लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते थे और फिर उसकी हम एप्लीकेशन देखते थे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कैसे होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। उससे आगे फर्दर अगर हम चलें तो फिफ्थ जो ब्रांच है हमारे कोर्स में वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम घरों में बिजली यूज़ करते हैं और उसका एक इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिज्म, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्जेस की स्टडी करती है, वो चार्जेस रेस्ट पे हों या वो मोशन में हों। ये चार्जेस रेस्ट स्टडी करती है उन चार्जेस की जो रेस्ट पे होते हैं, और उन चार्जेस की भी स्टडी करती है जिसको जो कि मोशन में होते हैं, यानी कि मोशन में होने का मतलब है करंट फ्लो कर रहा होता है, एंड देयर इफ़ेक्ट्स। और मोशन में चार्जेस जब होते हैं उनके इफ़ेक्ट को स्टडी करती है, और रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, यानी कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनका मैग्नेटिज्म के साथ, मकनातीस के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस ब्रांच को हम कहते हैं, ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैं रिपीट करता हूँ, इट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन, चार्जेस रेस्ट पे हों या मोशन में हों, एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और उनके रेस्ट पे होने की वजह से और मोशन में होने की वजह से उनका क्या इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, और दूसरा क्या देखेंगे, इसका रिलेशनशिप देखेंगे विद मैग्नेटिज्म। ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम मैग्नेटिज्म का और रिलेशनशिप का, उसको ज़रा देखते हैं क्या है, कि हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और उस कंडक्टर को हमने पास किया हुआ है एक कार्डबोर्ड के साथ इस तरह से, और इसके साथ हमने एक बैटरी लगाई हुई है ये, और इस कार्डबोर्ड के साथ यहाँ पे एक स्विच भी है हमारे पास इस तरह से। इस कार्डबोर्ड के साथ हमने एक आयरन पीसेस रखे हुए हैं, छोटे छोटे आयरन के पीसेस रखे हुए हैं। जैसे अब देखें कि जैसे अब ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन का मतलब है कि सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जैसे ही ये हमारे जो आयरन पीसेस हैं दूर दूर फासले पे हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं कि इस स्विच को क्लोज़ करते हैं, यानी कि सर्किट को क्लोज़ करते हैं, यानी कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा तो ये जो आयरन के पीसेस हैं ये जाके इस वायर के साथ चिपक जाएंगे। तो पता क्या चला कि इस वायर ने इन आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया है, यानी कि ये जो वायर है ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करना शुरू हो गई है जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो जैसे ही अब इसमें से दोबारा से करंट को हम स्विच को क्लोज़ कर देंगे तो क्या होगा, इस वायर में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही वायर में से करंट फ्लो होना बंद होगा तो फिर ये जो आयरन के पीसेज हैं ये इधर से अपना इस तार को छोड़ के दूर दूर हो जाएंगे, यानी तार से अलग हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसकी, करंट की। तो यानी कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि डील करती है चार्जेस को एट रेस्ट, जो रेस्ट पे होते हैं उनको, और दूसरे चार्जेस जो कि मोशन में होते हैं उनको भी स्टडी करती है, और एंड देयर इफ़ेक्ट्स। ये इफ़ेक्ट था जो कि हमने क्या किया, करंट फ्लो करवाया मोशन में होने की वजह से, करंट फ्लो किया और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई और मैग्नेट तार बिहेव करना शुरू किया एज ए मैग्नेट, और इन जो लोहे के पार्टिकल्स थे इनको अपनी तरफ खींच लिया। तो दूसरी जो नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है वो है एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स क्या है, ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि डील करती है प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को।
प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर डील करती है। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि डील करती है प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है कि हमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नहीं पता था, लेकिन जो मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म है एटम की वो कुछ इस तरह से है कि दरमियान में सेंट्रल पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, हर एक ऑर्बिट का एक ख़ास रेडियस होता है इस तरह से, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस तरह से तो ये ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ख़ास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये एक दरअसल एक स्ट्रक्चर है एटम का। और प्रॉपर्टीज़ में क्या प्रॉपर्टीज़ की इस तरह से हैं कि दरमियान में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज दरमियान में है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो एज ए होल एटम इट्सेल्फ जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इट्सेल्फ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। स्ट्रक्चर देखा हमने कि दरमियान में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जिसकी वजह से जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, तो नेट चार्ज ओवरऑल एटम के ऊपर क्या होता है, जीरो। ये दरअसल इसकी प्रॉपर्टी है जो कि हमने जिक्र किया यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है। और स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसमें देखा। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स को अगर हम देखें तो वो क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि डील करती है विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, सॉरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस। के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं न्यूक्लियस की, कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और डिफरेंट मैनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अब देखें ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, यानी कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को स्टडी करती है। किसका, न्यूक्लियस का, किसका, न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करती है। और न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं उनको भी, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करती है। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसकी वजह से नेट चार्ज न्यूक्लियस का जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। ये दरअसल इसकी प्रॉपर्टी है, ये दरअसल इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है कि न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एटम के ऊपर क्या होता था, जीरो चार्ज, न्यूट्रल होते थे, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन पाए जाते थे न्यूक्लियस के अंदर उतने ही नेगेटिव चार्जेस ने उनको घेरा हुआ था प्रोटॉन्स को, तो जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या होता था, जीरो। ये एटम की प्रॉपर्टी थी, एटम के ऊपर चार्ज जीरो होता है नेट चार्ज, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जीरो नहीं होता बल्कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, न्यूक्लियस की। उसके बाद जो एट्थ जो हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है वो है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है, दरअसल प्लाज्मा एक फोर स्टेट ऑफ मैटर है। पहले हम स्टेट पढ़ते थे, तीन स्टेट पढ़ते थे, वो पहले स्टेट कौन सी होती थी, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो ये तीन स्टेट हम पढ़ते रहे हैं। अब कुछ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले कि अब एक नई स्टेट दरियाफ्त हुई है, उसका नाम है प्लाज्मा फिज़िक्स। वो प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है, फोर स्टेट ऑफ मैटर है। अब इस फिज़िक्स में हम क्या करेंगे
इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम प्लाज्मा को प्रोड्यूस कैसे करना है, प्लाज्मा प्रोड्यूस होने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसकी होंगी और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, ये डील करती है प्रॉपर्टीज़ के साथ और प्रोडक्शन के साथ, किसकी प्रोडक्शन, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम हमने क्या रखा, प्लाज्मा रखा हुआ है। यानी प्लाज्मा को हमने क्या कहा है कि उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी, उसको जिस ब्रांच में डील करेंगे उसका नाम होगा प्लाज्मा फिज़िक्स। और ये प्लाज्मा जो होती है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है, क्या होती है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। एंड द लास्ट वन इज़ जियोफिज़िक्स। तो जियो का मतलब हमें पहले ही पढ़ा था, जियोलॉजी हमने पढ़ी थी कि पांच डिसिप्लिन्स में हमने फिज़िकल साइंसेज को डिवाइड किया था, उसमें एक डिसिप्लिन का नाम जियोलॉजी था। हमने वहाँ पे बताया कि जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो इसी तरह जियो का मतलब क्या है, अर्थ। यानी जियो फिज़िक्स ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होगी जो कि हम जिसमें हम अर्थ के मुतालिक स्टडी करेंगे। अर्थ की कैसे स्टडी करेंगे, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस तरह से रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और उसकी स्पिनिंग मोशन कैसी है, ऑर्बिटल मोशन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, जियोफिज़िक्स में। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द जियोफिज़िक्स। अर्थ का रेडियस क्या है, अर्थ का मास कितना है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं, जियोफिज़िक्स में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।